दोस्तों यदि आप इग्नू के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों हाल ही में अभी इग्नू ने न्यू एडमिशन स्टार्ट किए हुए थे और जिसके लिए बच्चों के आईडी कार्ड आने आरंभ हो गए हैं, पर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी तक आईडी कार्ड नहीं आए हैं, जिनका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जिसका कारण है उनके डॉक्यूमेंट्स। कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गलत लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी 12th की मार्कशीट इंटरनेट कॉपी डाली हुई है, जिसकी वजह से उनके एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। कई कई बच्चों के में मैसेजेस भी आए हुए हैं उनके मेल पर और उनके मोबाइल मैसेज पर भी मैसेज आए हुए हैं, और जिसके कारण उनका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। और दोस्तों मैं बताऊँगा कि कैसे आप इस मैसेज में जो मिस्टेक आई हुई है उस मिस्टेक्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इग्नू की वेबसाइट में जाकर फ्रेश एडमिशन में साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा, इसमें आपको रिमूव डिस्क्रिपेंसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। बच्चों को अभी 12th की मार्कशीट स्कूल से इशू नहीं हुई है, तो आप इस केस में क्या करेंगे, आप इस केस में आप डिजी लॉकर से अपनी 12th की मार्कशीट डाउनलोड करके आप वो मार्कशीट यहां पर अपलोड कर सकते हैं। आपने जो मार्कशीट इंटरनेट की कॉपी डाली हुई है वो वैलिड नहीं है, जिसके कारण ये आपका मैसेज आया था, इसलिए आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड की हुई मार्कशीट ही अपलोड करनी है। जब आप ये मार्कशीट अपलोड कर देते हैं तो मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको उसी पेज पर दोबारा आना है और वहाँ पर टिक लगाने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म होने के लिए कुछ समय लगेगा और कुछ समय के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा और आपका आईडी कार्ड जल्द ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करें और आने वाली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।